जिंदगी का मकसद क्या है दुनिया में आने का, लेकिन फिर वो अलग बोले अल्लाह के दीन को जाहिर करना, अल्लाह के दीन को गालिब करना, ये है जिंदगी का मकसद। हमारे नबी की जिंदगी का क्या मकसद हुआ, लेकिन फिर वो अलग दीन बोले सिर्फ अल्लाह के दीन को दुनिया में गालिब करना, ये हमारे नबी की जिंदगी का मकसद। कि जितने भी बातल अज्ञान हैं उनको ख़त्म करना है और अल्लाह के दीन को दुनिया में लाना। अब अपनी गुफ्तगू अगर समेट कर बयान करें तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्के में तबलीग करके और मदीने में 10 साल गुजार के तो दीन को गालिब कर दिया, 23 सालों में दीन को गालिब कर दिया। दीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 सालों में गालिब कर दिया, ठीक है। लेकिन उसने रहू और दीन को लेकर पूरी तफसीर हमारे सामने आ गई कि दीन को गालिब कर। अब एक बात की मैं और वजाहत करूं और ये काबिल गौर बात है, काबिल सोचने बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद है दीन को गालिब करना, दीन को फैलाना, दीन को कायम करना, जिसको अल्लाह ताला ने दूसरे मुकाम में इरशाद फरमाया के वतअज़िमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रुकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और मुतफरक ना हो जाओ, और मुतफरक ना हो जाओ और फिरकों में ना पड़ो। एक बात तो ये फरमाई और दूसरी बात ये फरमाई कि वन अकीमुद्दीन वला तफर्रुकू, दीन को कायम करो और फिरकों में ना पड़ो। क्या इरशाद फरमाया कि दीन को कायम करो। तो अब हमारे नबी ने ये दोनों काम किए हैं। मैं अपनी बात को बिल्कुल इख्तसार के ले आया हूं कि हमारे नबी ने ये दो काम किए हैं, दीन की तबलीग भी की है और दीन की अकामत भी की है। सारी जिंदगी तबलीग नहीं की बल्कि आगाज तबलीग से किया, मक्के में आपने तबलीग की, ठीक है, दीन की लोगों के सामने तबलीग किया। फिर जब लोग आपके साथ इकट्ठे हो गए, आप मक्के चले गए, आप मदीने से शरीफ ले आए और आपने फिर जमात बनाई और जमात बना के खुद आप उसके अमीर बने, आपने फिर बुराइयों को ख़त्म किया, नेकियों का हुक्म दिया और आपने दीन को कायम कर दिया। अगर दीन कायम ना हो तो फिर आप ना तो नेकी का हुक्म दे सकते हैं ना बुराई को ख़त्म कर सकते हैं। तो दीन कैसे कायम होता है, दीन